नमस्कार, एलएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ चुके हैं बंडूर पंचायत मेमियों को, जहाँ पर आए हैं। यहाँ का पब्लिक कुछ इशू है, उन्होंने हम लोग को कॉल किया है क्योंकि ये लोग काफ़ी दिन से, काफ़ी महीने से लोग परेशान हैं यहाँ में कुछ समस्या को लेके। बार बार लोग प्रधान को बस भी यहाँ का पंचायत में जाके बार बार कंप्लेंट भी देते हैं, पंचायत भी जाके उनको ऑफिसर से मिलते हैं, ऑफिसर इन लोगों की बात को कोई सुन नहीं रहा है। जबकि यहाँ का बच्चे लोग काफ़ी परेशानी उठा रहा है, सवेरे से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक यही परेशानी चल रहा है। आइए जानते हैं यहाँ का निवासी से उनका क्या समस्या है। सर आपका नाम बताइए। मंगल माथे। यहाँ में क्या समस्या आप लोग? यहाँ पे समस्या तो यही है कि मतलब करंट देता है, सिर्फ नाम के लिए देता है, और जब बिल आता है तो बिल लेने बराबर आ जाता है, बट ये है कि उनमें से एक घंटे के लिए करंट देता है तो मतलब 24 घंटे फिर करंट बंद हो जाता है, यही बात है। आपका क्या नाम? कंप्लेन करता हूँ उनसे, बोलते ठीक है अभी करंट दे देगा फिर। और एक्चुअली अगर करंट कट होता भी है तो बोलने से, तो अगर कुछ दिक्कत है तो उसको मतलब एक दिन के लिए फुल करंट कट कर दो, उसका बाद जाके फिर मतलब हम लोग करंट तो सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि डेली करंट कट होता है, यही बात है। आप लोग मतलब यही कहने, मतलब ना तो रात में करंट मिलते, ना दिन में करंट मिलते, ना सवेरे। पता होगी कि नाम का ही करंट है। धन्यवाद। और बाकी सही भी जानते हैं हम लोग समस्या क्या क्या है करके। आपका नाम बताइए। दीपेश। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बोल रहे थे यहाँ में, इसमें लैंडलाइन जो फ़ोन रखते हैं वो भी बेकार का नाम के लिए है, क्योंकि मेरा घर में भी थोड़ा दिन पहले ही जस्ट 3-4 दिन कंटिन्यूसली करंट नहीं है। फिर हम लोग सुबह में फ़ोन करते हैं बट रिंग होते हैं बट उठाते नहीं है, तो हम लोग 2 दिन कंटिन्यूसली हम लोग गए सुबह कंप्लेन करने, बट उस लोग बोलते हैं कि लैंडलाइन ख़राब है। उस लोग सामने ही कॉल करें, रिंग होता है बट उनका फ़ोन ही ख़राब है। वही हम लोग बोले कि आप लोग फ़ोन ही ख़राब है, फिर हम लोग क्या रोज़ के हम लोग आके कंप्लेन करना, रोज़ बोलना कि आके करंट दो, उस लोग कुछ बोलते ही नहीं है। ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस कहाँ पर है? ये मंगलूटन, मंगलूटन जो जंक्शन पे जो है इलेक्ट्रिसिटी। और इसके सिवा उन लोग यानी फ़ोन रिसीव करते ही नहीं है? फ़ोन सर ख़राब है, मैक्सिमम ख़राब रहते हैं। मैक्सिमम ख़राब है, जो भी है वो उनका समस्या है। तो पब्लिक का लिए उन लोगों बैठाया है वहाँ में फ़ोन रिसीव करने के लिए, या अगर वो खराब है अल्टीमेटली कोई मोबाइल का नंबर देना चाहिए था, ठीक है मोबाइल का नंबर देने से क्या था, अगर आदमी पट के कॉन्टेक्ट करे उनसे, कोई इंसिडेंट अचानक आग ही लग सकते हैं, या तो वायर कट भी गिर सकता है, किसी ऊपर करंट का अटैक भी हो सकता है, जाके वहाँ में बोलना पड़ता है, तभी जाके थोड़ा करंट देते हैं, वो भी 5-10 मिनट के लिए, उसका फिर से करते हैं। ये हमेशा का ऐसी है कि कभी ये बात होता है? हमेशा हमेशा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुजीत राय है। सेम केस, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, फ़ोन करने से फ़ोन नहीं उठाता। आप यहाँ में क्या करते हैं? आपके बच्चे लोग हैं? अच्छा, बच्चे नहीं है तो घर जाके दिन भर दुकान चलाते, रात को जाके सोएगा, सोने का टाइम करंट है 10 मिनट के अंदर चले गया, तो दिन भर मेरा बात तो छोड़िए, क्योंकि हम दुकान में रहते हैं, छोटा छोटा भाई लोग, बच्चा लोग जो छोटा छोटा है स्कूल में पढ़ता है, वो पढ़ने का टाइम से करंट नहीं है, मम्मी पापा लोग खाना बनाएगा उस टाइम भी करंट नहीं रहता, सेम केस है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम जी, यहाँ पर इतना ही करंट का दिक्कत है, क्योंकि जब बच्चे लोग शाम का टाइम पढ़ाई करने बैठते हैं उस टाइम भी करंट काटता है, जब भी खाना बनाने जाते हैं तब भी करंट काटता है, खाना खाने बैठते हैं तब भी करंट जाता है, मतलब हमेशा करंट का बहुत दिक्कत है। जब भी फ़ोन करते हैं बोलते हैं ये खराब है, वो खराब है, आपका खराब है, आपका दिक्कत है, आप मेरे को क्यों बोल रहे हो मेरा दिक्कत है, यही हम पूछते हैं। जब बोलता ठीक है हम देखता, देखते करके फिर दोबारा फोन करते, फोन ही नहीं लगता, सिर्फ करंट का ही दिक्कत है। आप लोग मेन कहीं ना कहीं आप लोग का बिजली का समस्या को लेके परेशानी है, क्योंकि आज का जो हालात है सब पढ़ाई भी ऑनलाइन हो चुका है, कहीं ना कहीं बच्चा लोग पढ़ाई भी नुकसान हो रहा है, और हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करना है जो भी करना है उनको नेट के जरिए होता है। जब बिजली यहाँ पर नहीं रहेगा नेट नहीं मिलेगा, नेट नहीं मिलेगा लोग कोई भी प्रिंट आउट जो भी आग्रमण जितना भी पढ़ाई का सामान है नहीं निकाल सकते लोग, सारा बच्चा लोग मेन परेशानी यही है। और भी जानते हैं, हमारा बुजुर्ग माता बैठी है उनसे भी पूछते हैं उनको क्या समस्या है करके। नमस्ते, हम आप बताइए आपका नाम। निर्मला मंडल जी, आपका क्या समस्या है? हाँ ये तो मेरा घर। अच्छा आपका घर ये है? हाँ। आपका समस्या क्या? कारण नहीं था, कारण कारण का यही आने से 10 मिनट पर चले जाएगा, फिर बिल बड़ा बड़ा था, इतना बिल किसे मालूम नहीं है, दिन ही बेला जाए तो जाए,
রাত্রি সন্ধ্যা হলি রান্না বান্না করবে ওই সময় কারেন্ট দেবে, কি মুশকিল আমি তো সহি দেই নি। তারপরে ওই আমার ছেলে ওই কি লাইট করে, হ্যাঁ ওই ওই লাইট জ্বালাইয়া আমার কটা বাদ দেয় रात को या शाम के टाइम से करंट मिलना चाहिए। इन लोग कहीं ना कहीं करंट ना मिल रहा है, लोग परेशानी जाता है, ना खाना पका सकते कुछ। इनका बेटा एक इमरजेंसी लाइट भी लगा रखा है, इमरजेंसी में उसमें खाना उना जो पका के बच्चे लोग परोसते है। और यहाँ भी मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पी एन चौधरी जी है स्टेशन में, जब भी नहीं रहते हैं चौधरी जी, जब भी देखो मिलते नहीं, मिलता तो बोलता है कि भाई आप लोग बात हो गया है, पंचायत से बात हो गया। पंचायत क्या करे, पीआरआई तो ऑलरेडी परेशान है। नमस्ते मैडम, आपका नाम? अनामिका पुद्दर। आपका यहाँ में क्या प्रॉब्लम? करंट का प्रॉब्लम है, सुबह शाम जाते रहते, सुबह शाम करंट जाता है, रात को भी नहीं रहता, सो भी नहीं पाता, करंट नहीं रहता तो हर टाइम ही ऐसा होता, पढ़ाई भी नहीं कर सकता बच्चा लोग, पूरा करंट का प्रॉब्लम। नमस्कार, आपका नाम बताएंगे? जी मेरा नाम श्याम है जी। यहाँ मैं अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तो बिजली का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिजली नहीं रहने से फ़ोन करने से फ़ोन नहीं उठाता, ऊपर से लोग प्रधान जी को फ़ोन करते तो बोलता ठीक है मैं बात करता हूँ, तो तब भी बिजली आता नहीं, एक घंटा डेढ़ घंटा बाद आता है तो फिर आधा घंटा बाद फिर चला जाता है। बच्चे लोगों का पढ़ाई नहीं होता है, दिन भर काम करके रात को खाने के टाइम सोने के टाइम करंट नहीं रहता, बिजली नहीं रहती, बहुत परेशानी है। जंगल एरिया है, साफ वगैरह तो घूमते ही रहते हैं, बिजली के कारण बहुत टेंशन है। जय को फोन करने से फोन भी नहीं उठाता, जब हालत खराब है, इसके बाद अगर एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग को एक एक्शन। जय का नाम क्या है? जय चौधरी। अच्छा, जय से आप लोग मुलाकात करते हैं? जी नहीं, फोन करते जाने से तो मिलते ही नहीं, स्टाफ रहता बोले तो स्टाफ भी नहीं रहता, एक ही स्टाफ रहता, बाकी स्टाफ तो गाड़ी लेके आए, उनका कहना है देखते हैं कहाँ फोल्ड है, यहाँ फोल्ड है, वहाँ फोल्ड है, बोलते सही बोलते सुबह आएगा करंट, फिर रात को कहाँ ढूंढेगा, इसी बोलते ऊपर तक तो नहीं गया। जय के पास बहुत बार गए हम लोग, यहाँ का लेडीज लोग भी बहुत बार गए हैं ऑफिस, तो कोई कार्रवाई नहीं होता है, यही ऑफिस तक गए बहुत बार गए। और आगे आप लोग क्या क्या करना चाहते हैं? इसके ऊपर एक्शन नहीं है तो हम लोग रोड जाम कर देगा, चक्का जाम कर देगा पूरा। वंडूर पंचायत के निवासियों को ये है पूरा प्रॉब्लम, पूरा वंडूर पंचायत की प्रॉब्लम है, बिल्कुल बिजली नहीं है, आप किसी से पूछ लीजिए, बहुत हालत खराब है। छोटा छोटा बच्चा लोग पढ़ाई का टाइम करंट नहीं रहता, आजकल सब ऑनलाइन हो गया, और करंट नहीं रहने से आपका टावर भी नहीं मिलता है फोन में, बहुत परेशान है। धन्यवाद श्याम जी। नमस्ते मैडम, आपका नाम बताइए? ज्योति रॉय। यहाँ में आपका अभी क्या प्रॉब्लम है वंडूर में? करंट तो बिल्कुल भी नहीं रहता है सर, और बच्चा लोग पूरा मतलब तकलीफ नहीं है, सोना नींद ठीक से नहीं होता, सुबह उठ नहीं पाते है, फिर स्कूल जाने से सो जाती है, फिर करंट तो बिल्कुल रहती नहीं, घंटा में कितना बार तो दिन में पूरा कट सकते हैं करंट, कितना घंटा तक करंट कटता है दिन में? वो तो सर 8 घंटा ऐसी कुछ तो कट सकते हैं, टाइम टेबल नहीं है करंट कटने का। करंट आता है? आता है सर, वो कितना दिन में थोड़ा देर आने से थोड़ा देर ही रहती है, आधा घंटा रहता है, हाँ कब कट जाता है, फिर आता कितने घंटा बाद आता सर? करंट जाने से तो 2-3 घंटा ऐसे ही चल जाते हैं, करंट आता तो आधा घंटा तक रहता है, उसके बाद में 2-3 घंटा चले जाता है, फिर आता, फिर नाइट में करंट चला जाता और आता नहीं क्या? नहीं, नाइट में जाने से तो बहुत मुश्किल से आता। आप लोग यहाँ का जेई से जो कंप्लेंट दे? जी कंप्लेंट तो हर जगह देते, फिर करंट ऑफिस में फोन करने से लोग फोन उठाते नहीं, फोन ऐसे साइड में रख देते, और फिर कंप्लेंट करने से भी लोग आते नहीं। मेरा घर में अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन करंट नहीं था, हम लोग कंप्लेन कर करके थक गए, फिर फोन करने से बोलते हम लोग अब भी आते हैं, हम लोग यहाँ में है वहाँ में है, लेकिन आते नहीं। फिर जाके हम लोग 3-4 दिन बाद हम लोग जाके करंट ऑफिस में कंप्लेन लिखाने के बाद फिर रात को आके मेरा घर का करंट ठीक करके दिया। मेरे छोटे छोटे 3-3 बच्चे लोग हैं, लेकिन उस लोगों को लेके इतना प्रॉब्लम था। यही से मुलाकात नहीं होता आप लोगों? यही से हम मुलाकात नहीं करी थी उस टाइम, बस करंट ऑफिस में फोन करी थी। करंट ऑफिस आप गए थे ना कंप्लेन देने को लिखने को, उसको जब यही साहब मिला था? नहीं मिले, खाली स्टाफ थे वहाँ पे। ये लोग कितना कितना घंटा बाद आए थे? तो 3 दिन फोन करे, 3 दिन का 3 दिन में तो नहीं आए, 4 दिन का बाद, 4 दिन में हम लोग सुबह से फोन करते, रात को आए 7 बजे टाइम आके करंट ठीक कर दिए।
ये बस आपका आधा घंटा भी नहीं सर, 5-10-15 मिनट तक का नहीं मिला सर। बस वो करंट का थोड़ा उस लोगों को बोलने से ना, वो लोग आके थोड़ा डंडा से मार के ठीक करके चले जाते, लेकिन नहीं चेक नहीं करते, डंडा से मार के ऐसी करंट लाके चले जाते। डंडा से मारने के बाद करंट आ जाता? हाँ आता, वो हिलाने से आ जाता उसी फिर मतलब वो टाइट करना, नट टाइट उसमें वो ठीक करना, लेकिन वही नहीं करते, उसमें बोलने से आके डंडा से थोड़ा मारते और चले जाते। आपने यही सब को ज्यादा कम्प्लेन है सर, ऐसा सब बात हमारा तो करीबन 3 दिन से हमको बिजली नहीं है, सब परेशानी है। आप लोग अगर यही अगर आप लोग बात नहीं सुनता है तो आप लोग कम से कम यही साहब को देना, यही साहब तो काफ़ी अच्छा आदमी है, वो तो सबका बात सुन रहा है। अभी आप लोग बिजली आता है बराबर? अभी भी रात में ही करंट नहीं रहता है? तो बस अभी करीबन आपका 3-4-5 बार करंट चलेगी। कोई बात नहीं, धन्यवाद मैम। यहाँ का जनता का कहना यही है कि यहाँ का जेई भी यहाँ फील्ड में कभी आते नहीं, यहाँ आगे चेक भी नहीं करते पब्लिक का समस्या क्या है। आए दिन ये महिला लोग भी काफ़ी परेशान है और यहाँ का पब्लिक भी परेशान, ज़्यादातर तो महिला ही परेशान है, क्योंकि उनको बच्चा लोगों को जो खाने पीने के बनाने के लिए उनको असुविधा हो रही है, बिजली नहीं होने के कारण लोग बना नहीं सकते। दूसरा बात है बच्चा लोगों को पढ़ाई के लिए, आज सब ऑनलाइन पढ़ाई, ज़्यादातर मैक्सिमम ऑनलाइन पढ़ाई है, इसके पीछे महिला लोग काफ़ी परेशान है। यहाँ से कुछ भी लोग प्रिंट आउट निकालना, जो भी निकालना, लोग काफ़ी दूर जाना पड़ता है, मंगलूटन जंक्शन या तो गुप्तावाड़ा जंक्शन जाके लोग करना पड़ता है। ये बिजली नहीं होने के कारण लोग यहाँ तक का 11 जन्म जाके लोग वो भी कराते हैं, बोलते महिला लोग यहाँ से जाते हैं, सवेरे जाते हैं, शाम हो जाता आते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ का जेई का कुछ नाकामी है, जिससे या जनता खुश नहीं है। जनता यही बोलता है कि जेई साहब भी काफ़ी साल से यहाँ है, ये नहीं कि हम लोग यहाँ में विजिट करे, यहाँ में हर एक जगह का प्रॉब्लम है। आज बारिश का टाइम है और अगल बगल कचरा पूरा भरा हुआ है, रास्ते में सांप उन से काफ़ी ज़्यादा सांप वूप निकल, जहरीली सांप वूप निकल रहा है, इससे भी काफ़ी जन को डैमेज भी किया है सांप, ऐसा नहीं करके नहीं, काफ़ी जन को काटा हुआ है। इसीलिए यहाँ का जनता बोलता है हमारा को यहाँ में बिजली कम से कम सवेरे नहीं मिले तो कोई बात, शाम का टाइम उनको बिजली दीजिए, ये नहीं बोलता 24 आवर्स दीजिए, कम से कम रात में तो उनको बिजली दीजिए। हम लोग आएंगे अपना काम वूम करके आराम, तक वक गया काम करके खाना वाना खा के सोएंगे, बच्चे लोग ट्यूशन लेके जाते हैं, अंधेरा में जाके आना पड़ता है, काफ़ी ये सब समस्या है। आइलैंड न्यूज़ के साथ बिलोगेश, धन्यवाद।